सबसे बड़ी अगर कौम में इनसिक्योरिटी होती है तो वो तब जब उसके मुल्क में एक छोटा सा जजीरा अमीर लोगों का हो और गरीब के समुंदर के बीच में हो, यानी जब एक मुल्क की प्रॉस्पेरिटी इंक्लूसिव ना हो वो मुल्क हमेशा इनसिक्योर रहता है। तो मैं जब मदीना की रियासत की बात करता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोगों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं है मदीना की रियासत क्या है। वो समझते हैं जी वोट लेने के लिए बात कर रहे हैं या कोई पता नहीं इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, इसलिए क्योंकि लोगों ने स्टडी ही नहीं किया वो मॉडल। एक ताकतवर मुल्क दौरा रूस पर गुस्सा हो गया और धमकियां दी गईं। क्या किसी खुद मुख्तार आजाद मुल्क को ऐसी धमकियां दी जा सकती हैं? ये कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना। भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। वजीर आजम का सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, बोले कोई भी मुआशरा कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की नहीं करता। मुल्क पर अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है। खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी मुल्क के लिए जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत सियासी कमेटी का इजलास, मुल्की सियासी सूरतेहाल, तहरीके अदम एतमाद और धमकी आमेज खत पर मुशावरत। वोटिंग के दौरान पीटीआई अरकान की ऐवान में मौजूदगी से मुतालिक फहरिस्त मुरतब की जाएगी। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है और बाज चोर लुटेरे डाकू पाकिस्तान की दौलत बाहर लूट कर ले जाने वाले लोग आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन अहम है। पता नहीं परसों सियासत में होना है या कहां होना है। इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। मुल्की जिम्मेदारों को इंतखाबात का फैसला जल्द करना चाहिए। वजीर दाखला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ऐसे ऐसे लोगों के नखरे उठाए हैं जिनसे मैं सलाम नहीं लेना चाहता। चोर लुटेरे डाकू सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। रावलपिंडी गद्दारों को पसंद नहीं करता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को खतरा, कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आ गया। रिपोर्ट्स के बाद वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर-ए-इत्तला'आत फवाद चौधरी का इंकशाफ, ट्वीट में बोले सिक्योरिटी एजेंसियों ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात वाले दिन भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ ने खत में वोटिंग के दिन 1,00,000 पीटीआई वर्कर्स का भी हवाला दिया। एमएनएस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। ज़िला इंतजामिया और पुलिस भी आइन और कानून के मुताबिक फराए सर अंजाम दे। खत का मतन कॉपी कमिश्नर इस्लामाबाद, डीसी और आईजीसी इस्लामाबाद को भी इरसाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, उनको धमकी मुल्क को धमकी है। ऐसी कमेटी का इजलास बुलाया गया जो स्पीकर की ज़ेरे सदारत है और वो अव्वल रोज से नहीं जाते। इस हवाले से पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर मामला ज़ेरे बहस लाया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। मिफ्ता इस्माइल बोले रुपया रोज बरोज गिर रहा है, 185 पर डॉलर पहुँच गया। पाकिस्तान के ज़खायर 2.9 अरब डॉलर एक हफ्ते में कम हो गए। सीनियर अमरीकी सफारतकार ओहदेदार की वजारत खारजा तलबी,
पाकिस्तान का अमरीकी सफारतकार से अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर शदीद एहतजाज। वजारत खारजा हुकाम ने अमरीकी सफारतकार को एहतजाजी मुरासला थमा दिया। अमरीकी सफारतकार को कौमी सलामती कमेटी के अजलास की रोशनी में तलब किया गया। अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं पाकिस्तान की जानिब से अमरीका पर लगाए गए इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरतेहाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान में आईन और कानून पर अमलदारी की हमायत करते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं गैर मुल्की साजिश का ड्रामा तो अदम एतमाद के जरिए दफन होने वाला है। कौम के साथ अप्रैल फूल खेलने के बजाय तारीखी करप्शन का जवाब दें। 16% महंगाई, 60% लोग बेरोजगार, 2 करोड़ लोगों को गरीब करने का जवाब दिया जाए। इमरान खान की करप्शन सामने आ गई। अमर बिल मारूफ की मुकदस कुरानी इस्तलाह, आपने सयाह अमाल की भीड़ चढ़ाई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का छीना ग्रुप के गजनफर अब्बास छीना से टेलीफोनिक राबता। मौजूदा सियासी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल। नून लीग ने पंजाब में मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार की हमायत मांग ली। गजनफर अब्बास छीना ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। शहबाज शरीफ के तरीन ग्रुप के अहम रहनुमाओं से भी राबते। तरीन ग्रुप की जानिब से मुतहदा अपोजिशन को मुस्बत इशारा। पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का अजलास आज शाम 6 बजे जरदारी हाउस में तलब। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी अजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के आइंदा सियासी सेटअप से मुतालिक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा, हसन मुर्तजा, नदीम अफजल चंद और अली हैदर गिलानी शामिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, नतायज आने का सिलसिला जारी। तहसील चेयरमैन की 65 में से 32 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीटीआई 18 सीटों पर कामयाब। जेयूआई और आज़ाद उम्मीदवार 5-5, एएनपी 2, जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी 1-1 नशिस्त पर कामयाब। इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान। कोयटा और ज़िला लसबेला के अलावा सुबह भर के दीगर अजला में 29 मई को बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सजेगा। कोयटा और लसबेला में दोबारा हल्का बंदियाँ होंगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारों के चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन सेनेट इलेक्शन केस पर बड़ा फैसला। चेयरमैन सेनेट को कामयाब करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी गई। 2 रुकनी बेंच ने यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज की। पार्लिमानी तनाज़ात और मामलात में मुदाखलत ना करने का अदालती फैसला बरकरार। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं जब तक मईशत की रफ्तार तेज नहीं होगी रोजगार के मौके नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां नौजवानों की तादाद ज्यादा है। पीटीआई के दौर में रोजगार के मौकों में इजाफा हुआ। हमारी पॉलिसी की वजह से ज़रात में तरक्की हुई। ज़रात में होने वाली तरक्की पहले दहाइयों में नहीं देखी।
किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा मिल रहा है। मच मोर इंटीग्रेटेड ऑन जनरल लाइन देन एनी टाइम इन द पास्ट आई विल मेक अ डेडिकेटेड एफर्ट To work with zeal and zest, become a guiding beacon for the young women of my nation, and come up to the expectations of Pakistan Army. Assalamu alaikum. I'm Sergeant Hawa from Nigeria. I have undergone training in Pakistan Military Academy with Lady Cadet Course 19. Today, I've been awarded with the Commandant Overseas Medal for being best lady cadet amongst friendly country cadets. काकुल में 145वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स समेत मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पास आउट होने वालों में सऊदी अरब, इराक, उर्दन, मालदीव, आजरबैजान और नाइजेरिया के 17 कैडेट्स भी शामिल थे। दोस्त ममालिक की लेडी कैडेट्स भी पास आउट हुई। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात दिए गए।